आज हम कर रहे हैं सैमसंग A10 चार्जिंग प्रॉब्लम। सैमसंग के फ़ोन में चार्जिंग A10, A20, A50 में कॉमन प्रॉब्लम है। हम तीनों मॉडलों का, इवन सैमसंग के जितने रनिंग मॉडल है, सबका चार्जिंग का सॉल्यूशन और सेमेंटिक्स का डिटेल डालेंगे। अगर आपको उससे पहले किसी मॉडल की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस मॉडल का पहले डालेंगे। आज हम कर रहे हैं सैमसंग A10 चार्जिंग का सॉल्यूशन। चार्जिंग के लिए ये हमारा बोर्ड पे कनेक्टर है, जो नीचे का स्ट्रिप कनेक्ट होता है। ये सारी पिनें हमारी चार्जिंग वोल्टेज इन है। ये एक छोटा जनरेटर डायोड लगा हुआ है। इस जनरेटर डायोड के बाद इस कैप से होते हुए इस छोटी आईसी में वोल्टेजेस जा रहे हैं। ये जो हमारी छोटी आईसी है, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी है। मैक्सिमम ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है वो इस आईसी के, मेन आईसी के ख़राब होने से पहले ये हमारी छोटे वाली आईसी ख़राब होती है, जिसको कि सब इग्नोर करते हैं। इस आईसी में से वोल्टेज आउट होने के बाद ही चार्जिंग आईसी को, जो हमारी मेन चार्जिंग आईसी है, उसको वोल्टेजेस मिलता है। तो यहाँ से वोल्टेजेस आउट जैक से होने के बाद इस आईसी में से छोटी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की आईसी लगी है। यहाँ से आउट होने के बाद ये कॉयल है, इस कॉयल से होते हुए ये चार्जिंग आईसी है। इस चार्जिंग आईसी में वोल्टेजेस जा रहे हैं। और ये जो हमारी दो पिन्स हैं, ये हमारी पिन्स हैं यूएसबी की। ये एक जा रही है ये डिटेक्शन के लिए सीपीयू के अंदर। ये दो पिनें हैं जो पर्पल एंड स्काई कलर की, ये भी पावर में जा रही हैं। अगर हमारे यूएसबी डिटेक्ट नहीं होता है, चार्जिंग करता है या ऑफ में चार्जिंग करता है, ऑन करने के बाद चार्जिंग शो नहीं करता है, तो ये यूएसबी वाली पिन्स की प्रॉब्लम होती है। और चार्जिंग आईसी में से करंट आउटपुट होने के बाद यहाँ से इस कैप से होते हुए एक ही छोटा फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर पे जा रहा है। जब हम चार्जर लगा के वोल्टेजेस चेक करेंगे तो इस कैप पे हमारे 5 वोल्टेजेस आने चाहिए और इस आईसी से भी पार 5 वोल्टेजेस आउटपुट आना चाहिए। और इस आईसी के बाद प्रोसेस होने के बाद हमें यहाँ 4.2 वोल्टेज मिलना चाहिए, वो भी वेरिएबल वेरी होना चाहिए। 2.8 से लेके 4.2 तक वेरिएशन मिलना चाहिए। अगर ये चीज़ आ रहा है तो हमारी ये चार्जिंग का ये सारा सर्किट हमारा ओके है। हमारी बैटरी वगैरह ख़राब हो सकती है या सैमसंग में जो चार्जिंग का एरर आता है, अदर प्रॉब्लम हो सकती है, पर मेन जो चार्जिंग का जो सर्किट है वो ये है। उम्मीद है इसके बाद आप सैमसंग A10 में चार्जिंग की प्रॉब्लम अपने फ़ोन में इजीली हल कर पाएंगे। अगर आपको किसी और फ़ोन की सेमेटिक्स के या किसी फॉल्ट के बारे में कुछ ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश